मैं अमित शर्मा, अमित अम्बे स्टडी अब से। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा कि हमारा आर्टिकल के बारे में देखा था, तो गाइस इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को फिल्म फेयर फेस्टिवल 2017 के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं उन व्यूअर से कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो कोई भी नहीं आए उसका उन्हें अपडेशन पहले से ही मिल जाए। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड 2017। यह हमारा टॉपिक है गाइस, फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड 2017। तो इसको कहने से पहले, इसके बारे बताने से पहले मैं इसकी थोड़ा इतिहास बता दूं, यानी कि हिस्ट्री बता दूं। तो गाइस ये फिल्म फेयर फेस्टिवल जो सबसे पहला दिया गया वो 21 मार्च 1954 को दिया गया। इससे पहले इसी अवार्ड को क्लारे अवार्ड के नाम से जाना जाता था और 1953 के बाद इसका नाम बदल के फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड इसका नाम रख दिया गया। तो गाइस इस बार जो अवार्ड दिया गया है उसका वेन्यू रहा है हमारा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। तो गाइस आपको ये तो पता ही होगा फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड, हमारे को जैसे वर्ड से पता था फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड जो कि सिनेमा में दिया जाता है, कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो बॉलीवुड होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे कि मेल बेस्ट एक्टर, मेल बेस्ट एक्टर इन फीमेल, कोरियोग्राफर, बेस्ट डायरेक्टर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जैसे कि मैं आपको एक करके बताऊंगा इस बार का कैसे मिला है। तो इस बार का आपको वैसे मिला है, इस बार का हमारा हुआ है, इस बार का जो हुआ है 2017 का हुआ है 14 जनवरी 2017 को हुआ है मुंबई में। तो इनको होस्ट कराया गया करण जौहर, शाहरुख खान और हमारे एंकर कपिल शर्मा के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। इन तीनों ने मिलकर इसको होस्ट किया है। तो आते हैं हम टॉपिक पे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार का किसे दिया गया है। गाइस जैसे आपको पता होगा शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बीजेपी से रह चुके हैं और ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, इनको ये प्राइज उन्हीं की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बेस्ट फिल्म, जैसे कि आपको पता होगा बेस्ट फिल्म अभी ये बिजली फिल्म हाल ही में आई है दंगल, जो कि हरियाणा की लड़की के ऊपर बनाई गई है, जिसको आपको पता होगा हरियाणा की लड़की जो कि पहलवान है, जिसमें दिखाया गया कि लड़की भी कुछ कर सकती है। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी गाइस दंगल फिल्म के डायरेक्टर को मिला है, जिनका नाम नीतीश तिवारी है, नीतीश तिवारी, और जो कि किसके डायरेक्टर रहे थे दंगल मूवी के ही। इसके बाद बेस्ट एक्टर मैं गाइस मेल बेस्ट एक्टर इन मेल जो कि हमारे आमिर खान को दिया गया, आमिर खान जिन्हों की जो कि दंगल के ही एक्टर रहे हैं। इनके बाद बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी यानी कि बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी, तो गाइस ये आलिया भट्ट को मिला है जो कि दंगल की हीरोइन नहीं थी, जो कि उड़ता पंजाब की हीरोइन रही हैं। इनके बाद बेस्ट कोरियोग्राफर जो कि बहुत भूमिका निभाता है, बहुत अच्छी भूमिका इनकी भी रहती है किसी मूवी के लिए, तो बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड आदिल शेख को दिया गया है, जिन्होंने क
कर गई चुल, कर गई चुल जो कि आजकल बहुत ज्यादा गाना मशहूर हुआ पड़ा कर गई चुल, तो इस वाले गाने के लिए उन्हें क्या मिला है, बेस्ट कोरियोग्राफी कर गई चुल, इस वाले गाने के लिए उन्हें क्या मिला है, बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड। तो इसके बाद देखते हैं गाइस बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट लिरिक्स किसके रहे हैं, बेस्ट लिरिक्स रहे गाइस अमिताभ भट्टाचार्य के। अमिताभ भट्टाचार्य गाइस हमारे ये एसएससी वाले अमिताभ भट्टाचार्य नहीं है, ये गाइस सिंगर वाले अमिताभ भट्टाचार्य हैं, नाम दोनों का सेम है, अमिताभ भट्टाचार्य हमारे एसएससी के भी हेड रह चुके हैं इससे पहले। और अमिताभ भट्टाचार्य जिनको चन्ना मेरिया मेरिया जो गाना चल रहा है आजकल, उसके लिए याला बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है। इसके बाद बेस्ट म्यूजिक एल्बम, यानी कि किसकी एल्बम सबसे बढ़िया रही है म्यूजिक की, तो गाइस याला अवार्ड हमारे प्रीतम जी को दिया गया है, जिन्हें मूवी का नाम, जिनका नाम क्या था, आए दिल है मुश्किल, इस वाली मूवी के लिए इन्हें बहुत, यानी कि इस वाले अवार्ड के लिए इन्हें मुश्किल, मुश्किल इसके लिए इन्हें दिया गया है। इसके बाद गाइस बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर, यानी कि जिन्होंने अभी फिल्म में डेब्यूट करा है, जिनकी पहली फिल्म रही है एज अ डायरेक्टर, तो ये वाला अवार्ड दिया गया है इस बार हमारे अश्विनी लयर तिवारी को। इसके बाद बेस्ट डेब्यूट, यानी कि बेस्ट डेब्यूट जिन्होंने पहली मूवी बनाई है अपनी, यानी कि मेल कैटेगरी में, ये वाला अवार्ड हमारे दिलजीत डोसूजा को मिला है, जो कि उड़ता पंजाब में हीरो रहे हैं। इसके बाद बेस्ट डेब्यूट इन फीमेल कैटेगरी, ये वाला गाइस ये वाला अवार्ड मिला है रितिला सिंह को, रितिला सिंह जिन्होंने साला खादूस मूवी में काम किया है, साला खादूस मूवी में काम किया है। तो गाइस इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों को फिल्म फेयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो कि आने वाले कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो गाइस आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू एंड धन्यवाद।